सरकार में महंगाई है, लोग कह रहे हैं युवा बेरोजगार है। महंगाई नहीं, कहाँ महंगाई है, दारू ठेका बजाते हो 500 पी के चले, तो कहाँ महंगाई बताओ ना हमको। काजू बादाम 900 रुपया किलो है, वो शराब गुटका बीड़िया 4000 रुपया किलो, तभी भी खाते, कहाँ महंगाई बताओ ना हम, कहाँ महंगाई दिखती है। आपका बिजली विभाग वो भी बिक गया है, तो क्या है ये 50-10 रुपया में रायबरेली जाते हैं ना, 35 रुपया खर्चा के लिए रायबरेली, तो जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा ले रहे हैं, बस ये हमारे दिमाग में है, बच जाइए आप। अच्छा ये दिया तो कम से कम जो ईरानी जी 5 साल में रही हैं, कम से कम ये तो आकर के यहाँ जाए इसमें डिग्री कॉलेज बना देती, तब भी जो है कि हम लोग जो है कि एक प्रोत्साहन के रूप में जो है समझते कि हाँ ईरानी जी ने काम किया बहुत अच्छा। स्मृति ईरानी का और राहुल गांधी का कार्यकाल कैसा है? 5% राहुल गांधी की आशा है, बस 100 में 95% बीजेपी है, पूर्ण में है, बहुमत में है। हम और हमारी टीम इस समय अमेठी के जायस में है, और आपको बता दूं कि लगातार जायस वो नगरी है जो मलिक मोहम्मद जायसी जो बहुत अच्छे कवि थे, विश्व प्रसिद्ध कवि थे, उनकी नगरी जायस में हूँ। आपको बता दूं कि यहाँ पर जायस अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आता है, और आपको ये भी बता दूं कि लोकसभा क्षेत्र अमेठी में इस समय गर्म माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अगर चुनाव की बात की है तो राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर अमेठी में प्रवेश करने जा रहे हैं। वही जायस में जो है यहाँ की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी यहाँ की सांसद हैं, यहाँ पर होटल मिल गए तो यहाँ पर दादा बुजुर्ग लोग मिल गए, तो ये अमेठी के जो है चुनावी माहौल को अच्छी तरह से जानते हैं। तो दादा सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? शिवराम चौधरी। दादा क्या माहौल लगता है इस बार अमेठी का, माहौल कैसा, अमेठी के लोग कैसी सरकार चाह रहे हैं? अब अमेठी के लोग तो जो है हमरे समझ में तो आवत है कि स्मृति ईरानी का चाहत ही, और उनके सामने अब कौन वह तरह के नेता आ जाए जो उनमें की बदलाव हो सकता है। नहीं, स्मृति ईरानी का 5 साल का कार्यकाल आपकी नज़र में कैसा है? ठीक रहा, बढ़िया रहा, ठीक रहा। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर अमेठी आ रहे हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा अमेठी पर? यहाँ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, कारण क्या है दादा? असल में उनका कई साल यहाँ, कई पंचवर्षीय रह चुके हैं, और उनका कार्यकाल देखने के बाद उनका कार्यकाल स्मृति ईरानी से डाउन रहा हमेशा। अच्छा, विकास हुआ कि नहीं राहुल गांधी के समय में? नहीं हुआ तो सभी सरकारों में हुआ है, ऐसा नहीं ना, लेकिन यह है कि इनकी अपेक्षा उनमें कम हुआ। अच्छा, मतलब स्मृति ईरानी की अपेक्षा राहुल गांधी में विकास कम हुआ, जबकि वो मतलब प्रधानमंत्री के लड़के थे, वो तो चाहते तो यहाँ सोने की सड़कें बनवा सकते थे। लेकिन कौन, राहुल गांधी वो चाहते तो यहाँ डिग्री कॉलेज बनवा सकते थे, लेकिन नहीं बनवाया। उन्होंने कहा जितना अमेठी का विकास हमने किया उतना किसी ने किया नहीं, वो उनका कहना तो है लेकिन ऐसा लगता नहीं। अच्छा, राहुल गांधी ने लॉन्च प्लान करते रहे, मतलब बनाता था कोई आके, और तो क्या मतलब है साले का, मतलब प्लान करते थे वो, और काम कोई दूसरा करता, दूसरा करता है। तो राहुल गांधी आ तो रहे अमेठी, आए तो रहे, तो उनका गढ़ ही रहा है, अब कहाँ है, काहे अब उनका घर नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो किसकी सरकार आप चाहते हैं? हम तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं। अंदर से कि ऊपर से? वो अंदर से। स्मृति ईरानी का जो कार्यकाल रहा है और राहुल गांधी कार्यकाल, इसमें क्या समांतर आपको नजर आया, क्या अंतर नजर आया? बहुत बड़ा अंतराल है इसमें जो है। अब राहुल गांधी के जमाने में जो है कि तमाम फैक्ट्रिया वगैरह सब कुछ खोली गई है, और ईरानी के जमाने में क्या खोला गया, कुछ नहीं खोला गया। दादा बताइए, आपने तो कहा कि राहुल गांधी यहाँ सोने के सड़कें बनवा सकते थे, दादा ने कहा जितना विकास हुआ सब राहुल गांधी के जमाने में। भाई ये उनकी सोच है, वो अपना कह रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कुछ किया ही नहीं? स्मृति ईरानी ने किया क्यों नहीं, गिनाइए ना इनको, बताइए क्या किया। अरे भैया यहाँ जितना हो रहा है सब स्मृति ईरानी का तो है, अब ताजा और कौन वो क्या कर गए, बताइए दादा बताइए क्या किया वो स्मृति ईरानी ने क्या किया। केवल जो है कि बीजेपी सरकार में जो है कि वही राशन जो है कि सम्मान निधि, और इसके अलावा और क्या दिया गया अमेठी में, तो तमाम योजना उन्होंने की लॉन्च की। कौन सी योजना काम की? अरे कोई योजना नहीं रहा, अरे कोई योजना नहीं है, केवल यही जो है कि विधायक जी अब चिकित्सालय वगैरह लेकर के आए बेचारे, वही जो है कि हुआ, बाकी और क्या हुआ। दादा तो झूठा बोल रहे हो पूरा। मेडिकल कॉलेज भैया स्मृति ईरानी का है, वो वहाँ जो नदी में कटान होता था स्मृति ईरानी ने बनवाया, नदी का कटान जानते हैं अपना, हाँ तो उसको उन्होंने मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया यहाँ। अब तो कह रहे दादा कुछ दिया ही नहीं उन्होंने। अरे तो भाई देखें, जिसको जितना ज्ञान है उतना बोलता है, बता रहे हैं आपको उतना ज्ञान ही नहीं है। हाँ हो सकता है भाई मुझे ज्ञान ना हो, ये भी मानते हैं, लेकिन चलिए आप बताइए कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा? क्यों नहीं कहना चाहेंगे? स्मृति ईरानी का और राहुल गांधी का कार्यकाल कैसा है? 5% राहुल गांधी की आशा है, बस
95% बीजेपी है, पूर्ण में है, बहुमत में है। अरे तो राहुल बीजेपी से ज्यादा कोई काम करता नहीं है। अमेठी की चर्चा राहुल गांधी की वजह से हुई है? होने से क्या है, हाँ। जो पहले के चले गए वो चोर रहे हैं, हाँ। अब की इतनी ईमानदार स्वच्छता सभ्यता वाली सरकार अभी तक आई नहीं है, जो बच्चों को पीढ़ी सीख रही है आगे। जो ये न्याय यात्रा राहुल गांधी लेकर आए, इसका प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं, 10% का नहीं कह सकते, कोई प्रभाव नहीं। लोग तो कह रहे हैं अगर वो चुनाव लड़ने आएंगे तो यहाँ इस तरह चुनाव हार जाएंगे। ऐसा हो, अभी इतने चुनाव जीत कहाँ जीते हैं, एक ओवर जीते हैं तक। नहीं तो राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ेंगे तो माहौल तगड़ा, 50% बार लड़ने तभी भी नहीं जीते, जो जीत गए पुराना मतलब जानते नहीं थे। सरकार महंगाई है, लोग कह रहे हैं युवा बेरोजगार, महंगाई ने कहा महंगाई है, दारू ठेका बजाते हो 500 पी के चले तो कहाँ महंगाई, बताओ ना हमको। काजू बादाम 900 रुपया किलो है, वो शराब गुटखा बीड़िया 4000 रुपया किलो, तभी भी खाते, कहाँ महंगाई बताओ ना हमको, कहाँ महंगाई दिखती सबको। बेरोजगारी है बता रहे लोग, कोई रोजगार, सब रोजगार चल रहा है, सब अच्छे से सुरक्षा चल रही, हर चीज में योगी सरकार आगे है। आपकी मजबूरी है बोल रहे हैं या फिर काम अच्छा है की मजबूरी, हाँ। पानी पूरी का काम करते काहे की मजबूरी? अच्छा पानी पूरी काम, हाँ पानी पूरी काम करते काहे की मजबूरी? खुश है आप सरकार? क्यों नहीं खुश है? कौन सा ऐसा काम योगी सरकार ने किया जो आपको अच्छा लगा? हर सरकार कर रही, क्या नहीं कर रही, सब कुछ अच्छा कर रही है। लेकिन दादा बता रहे हैं मीडियम कुछ हुआ ही नहीं। भाई दादा पुराने जमाने के ना, हम तो नई पीढ़ी है ना, हाँ। तो हम अपने हिसाब से बताएंगे दादा के साथ। इन्होंने कहा उनकी तो बीत गई, हाँ। हमारी तो आने वाली पीढ़ी। दादा बताइए, आप बताइए, कह रहे हैं कि आप पुराने जमाने की नई पीढ़ी कुछ बता रहे, आपने बताया? हाँ, तो हो सकता है कि ये नए युवक है, इनके जमाने में कुछ बन गया हो, हम लोग ना देख पाए हो, ना समझ पाए हो, ये भी हो सकता है। अच्छा क्या किया स्मित राय ने 5 साल में, आप गिनाइए तो कुछ, दादा को बताइए। तो कुछ करा, सब कुछ करा, ऐसा कोई काम बकाया नहीं जो करा नहीं। क्या किया है? हर चीज करे हैं, क्या नहीं करा है? रोड बन रही है, सड़कें बन रही है, हवाई अड्डे बन रहा है, प्लेन बन रहे, सब कुछ तो क्या बन रही है दादा बताइए। अब इतना इंदिरा आवास बन रहा है, कॉलोनी बन रही है, हाँ। दादा आप बताइए, 2 मिनट। हवाई अड्डा जो है कि कांग्रेस के दीन है, हाँ। रेलवे जो है कांग्रेस की देन है, उसको जो है कि उन्नत किया है, केवल जो है कि उसका प्रोत्साहन लिया है, हाँ। और क्या जो है किया है, बाकी तो सब कांग्रेस की देन है। सब कांग्रेस की तो देन है भैया, कहाँ कांग्रेस की देन है बताओ ना हमको, कहाँ कांग्रेस की देन है? रेलवे तो अंग्रेजों की देन है, कहाँ से राहुल गांधी ले आए? ये तो एक डिग्री कॉलेज नहीं बनवा सके, हाँ। इतना बड़ा कस्बा जायस है, हाँ। राहुल गांधी के समय में, हाँ। एक, एक, एक डिग्री कॉलेज नहीं दे सके यहाँ के, हम लोग अनपढ़ गंवार रह गए। आज हमारे लड़के अगर इंजीनियर कॉलेज होता तो हम लोग भी इसमें पेट्रोलियम में हमारे बच्चे भी होते। दादा आप बताइए, तो कह रहे कुछ दिया ही नहीं। अरे नहीं दिया तो कम से कम जो है ईरानी जी 5 साल में रही है, कम से कम ये तो आकर के यहाँ जायस में डिग्री कॉलेज बना देते, तब भी जो है कि हम लोग जो है एक प्रोत्साहन के रूप में जो है समझते कि हाँ ईरानी जी ने काम किया बहुत अच्छा। भाई देखें, डिग्री कॉलेज तो अब बन गया, अब आप दब रहे हो, हाँ। डिग्री कॉलेज अब नया हमारा अपना बन गया, हाँ। मतलब प्राइवेट, हाँ। और मेडिकल कॉलेज उन्होंने लाके दे दिया, हाँ। जहाँ की अब बड़े बड़े लड़के यहाँ डॉक्टर बनेंगे। मेडिकल कॉलेज की बात करो पहले, डिग्री का करे, पढ़ाई वाली व्यवस्था कराओ यहाँ, पढ़ाई वाली तो हो भाई करे भाई। दादा आप क्या बोल रहे हैं? अरे अब भाई कुछ बोले उनके बोलने से। दादा आप बताओ, आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या लग रहा माहौल आपके हिसाब से? माहौल ठीक है, ठीक का माहौल है दादा है? हाँ। यह तो अब ना बता पूंगा। अरे स्मृति ईरानी जी चल रहे हैं कि जो है राहुल गांधी आ गए? नहीं दोनों चल रहे हैं, दोनों बराबर है, हाँ। तो दादा का 5-6% बढ़िया, राहुल गांधी है। अरे तो भाई अपन अपन आपकी के साथ हो, अपनी राय बताओ है? आपकी के साथ हो? हम तो कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस ने क्या किया दादा अमेठी के लिए? अमेठी के लिए बहुत कुछ किया। क्या किया है, है? गिनाइए कुछ। अरे सब वही के देन आया, अब हम तो ये सरकार में ये दो चीज जो चीज मिली है उसको बता रहे हैं, हाँ। जैसे राशन मिल रहा है, हाँ। ठीक, हाँ। पैसा मिल रहा है वो भी ठीक है, हाँ। मिलता है, हाँ। जो सच्चाई है, हाँ। लेकिन इधर तो दे रहे हैं, हाँ। लेकिन इधर हमारी गांड से ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बिजली के बिल 50 आवत रहा, 500-600 है, कहाँ से दीप, हाँ। वह सिलेंडर 100-150 के रहा है, 700-800-900 का है, हाँ। कहाँ से दें, हाँ। बिजली हो गया, ये हो गया, हाँ। और पेट्रोल का भाव चल रहा है, पेट्रोल तो 96 में है, हाँ। तो जब हम 40-30-35 में लेते रहे, हाँ। अरे तब की बात छोड़ो, अब की बात करो। सब ये रेलवे बेच दे, हाँ। ये कागज के जो है आपका बिजली विभाग, हाँ। वो भी बिक गया, हाँ। तो क्या है ये 50-10 रुपया में रायबरेली जाते हैं, 35 रुपया खर्चा के दिए रायबरेली, तो जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा ले रहे हैं, बस ये हमारे दिमाग में है, बच जाइए आप। अच्छा जाए, अरे आप तो जितना दे रहे हैं ऐसा नहीं है, हाँ। जो दे रहे हैं उसको कह रहे हैं, हाँ। लेकिन उससे ज्यादा ले रहे हैं हम। तो नाराज बहुत हो आप, नाराज
क्या क्या टेबल चलाओ तो दो खाली चल के अभी देखो। कहा तो 24 घंटा बिजली पास, पहले 12 घंटा पास। तो 24 घंटा में हमें कारखाना चल रहा है कि जो हमको फायदा मिल रहा है, हमको रात को बिजली चाहिए। भाई 24 घंटा बिजली मिल रही है भैया, राहुल मिल रहा। कांग्रेस के समय में कब वो मिला है? फर्जी जलाऊ भाई का कांग्रेसों के समय का देखात नहीं कहा दिन माँ की हम वह बिजली जलाई। शाम को मिलना चाहिए, शाम को देखो जाके तो बिजली गुल। तो राहुल गांधी आ रहे हैं नहीं? अरे वो आ रहे हैं, उनका काम आने का वो तो अलग चीज है, आवे के लिए हमें क्या है भाई, उनका राजनीति आ वो हमें जाए। कहा तो भैया महंगाई बहुत हो गई, पहले 10 रुपए में रही, 35 रुपया। महंगाई नहीं ना महंगाई, एक भी मोटरसाइकिल आज तक पहले पेट्रोल महंगा है। कौन मोटरसाइकिल खड़ी हुए भाई, वो बिक्री बंद भाई तो बताओ। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा यह है, आज आदमी अगर डेवलप नहीं ना, जैसे हमारे 400 रुपया जब मजदूरी दिहाड़ी बढ़ गए तो सिलेंडर के दाम बढ़ गए, तो कौन भेजा भा? दादा बताओ अब बोलो। हम क्या बोले? हंस गए बाबू, कहे मजदूरी बढ़ गए। मजदूरी कितनी है? 300। ये तो 300 बता रहे हैं, 300 बता मजदूरी है। नहीं मजदूरी 400-500 तो तीन तरह के मजदूरी है, पोते वाले 500 लिया थी, ऐसे दिहाड़ी करे वाले 350-400। सरकार 240 दे रही, 45 कितनी दे रही है? वो नरेगा के कहे गया है, तो कहा है ये क्यों उसको 500 देना चाहिए? पहले नहीं मिला था का? पहले वहाँ से 1 रुपए चलता था तो यहाँ 1 पैसा नहीं मिलता था। तो अमेठी में किसकी सरकार अब की? अमेठी में सरकार होगी बीजेपी की। अच्छा, बहन क्या कहते हैं स्मृति ईरानी की। राहुल गांधी? राहुल गांधी ना के बराबर, राहुल गांधी नहीं आएंगे, घर है उनका, वो अपने घर से ही हारेंगे। है? अपने घर से ही हारेंगे। अरे भाई तो घर वाले से आप गद्दारी कर रहे हो? हम लोग उसी के साथ, जिसका साथ उसका विकास। अच्छा, साथ विकास सबका विकास। राहुल गांधी ने कहा जितना हमने किया उतना किसी ने नहीं किया अमेठी के लिए। सर आज का भी रिकॉर्ड दिखा उठा के देखिए, और क्या कहते हैं कि 84-85 का रिकॉर्ड उठा के देखिए। दबाव बोल रहे हो दादा, हमको लगा हम किसी के दबाव हमने बोले, हम सक्षम है। अच्छा, तो सरकार राहुल गांधी की यहाँ नहीं, यहाँ सरकार रहेगी तो क्या कहते हैं कि स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी की? तो भैया आपका बता दें कि यहाँ पर कुछ दादा लोग मिल गए हैं जिनसे बातचीत भाई, लेकिन अधिकतर लोग जो एफडी दादा तो भाई कांग्रेस के साथ हैं। ये दादा एकदम बताएं कि भाजपा सरकार में सब कुछ हुआ है, लेकिन अभी चुनाव का डेट क्लियर नहीं हुई है। जिस तरह से राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंच रहे हैं, इसका कितना असर पड़ने वाला है? हम आपको अमेठी की और भी चौराहा पर जाएंगे और वहां के लोगों की राय लेंगे कि इस बार अमेठी में सरकार किसकी बनने वाली है।